ज्ञानंद भैया कह रहे थे कि चिंतन अधिक हो जाता है, कथा कम होती है। देखिए, चिंतन और चिंता ये दो काम कोई करता नहीं है, हो ही जाता है। कई लोग कहते हैं कि चिंता न करिएगा, हम हैं, ये चिंता तो हो ही जाती है। जो आपको कहे कि चिंता न करिएगा हम हैं, समझिएगा चिंता का वही कारण होगा। जैसे सनातन चैनल, आज ही ज्ञानंद भैया छेड़े थे, सनातन चैनल जब शुरू हुआ तो जितने मेरे साथ चल रहे थे बोले आप चिंता न करिए हम हैं, और सनातन चैनल के इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण भगवान के तीसरे शंख बजाने की चिंता भी इन्हीं लोगों ने प्रारंभ की, जो कह रहे थे चिंता न करिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई यदि ऐसा कहता है तो कहिएगा आप जो बाद में करेंगे अभी कर दीजिए, जिससे हम चिंता न करें। नहीं तो कहने से तो चिंता और बढ़ाई जाती है। हो अब ज्ञानंद भैया कहेंगे फिर चिंतन शुरू हो गया, अब क्या करें, शुरू हो जाता है। एक गुरु जी की गद्दी है ना, यहाँ तो चिंतन शुरू हो जाता है। किस भाई का प्रश्न है, परमानंद जी तिवारी, बड़ा अच्छा प्रश्न किए। देय महाराज जी, गुरुदेव भगवान की कथा में 16-8 से चित्रकूट में आपने जो 84 प्रसंग की कथा सुनी, गुरुदेव भगवान ने परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम में सभी पांचों देव शिव दुर्गा विष्णु गणेश सूर्य के निवास स्थान बताए थे। सेवक आपके श्रीमुख से प्रभु राम में पंचदेव स्थान सुनने जानने की प्रार्थना करता है। अभी कौन सत्र होगा इस पर, चिंतन न होगा। इस प्रश्न के उत्तर का समय 8:40 आरसी मिश्रा के मकान पर, आप वहीं आइए और अकेले में हम आपसे बातचीत करेंगे, ये कथा का प्रसंग नहीं है। देखो, जब पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कुछ बोलें ना, तो ये प्रश्नोत्तर आप उन्हीं से किया करो, और हमसे जो अटक जाए प्रसंग वो भी उन्हीं से प्रश्न किया करो। हम प्रश्नोत्तर वाले कथावाचक नहीं है, ये दुई आदमी की जी में काम है। मेरे गुरुदेव भगवान तो चाहे धरती का प्रश्न लाओ, चाहे पाताल का लाओ, चाहे आकाश का, चाहे ब्रह्मलोक का, सबका समाधान करते। संसारिक प्रश्नावली और आध्यात्मिक प्रश्नावली के उत्तर के लिए पूज्य मुरारी बापू बने हैं, ये दोनों लोग प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, ले लेते हैं, मेरे बस का ये सब। हम तो जे यह कथ ही स्नेह समेता, कही हैं ही सुनी हैं ही समुझी। हाँ भैया, कलम मिश्रा जी से कह रहे थे कि देखिए हमारे पास तो चौपैया न है, हो हम चौपैया गा देते हैं, और जहां चौपैया में भजन फिट होता है भजनिया फिट कर देते। गुरुदेव भगवान से भी मैंने निवेदन किया कि सरकार इस जन्म में तो बस चौपाई है, चौपाई में जहां भजन आया वहां फिट, इतनी राम कथा है। और पूरी कथा सुनना हो तो स्टॉल पर नाम लिखाइए, वो आपको 84 प्रसंग के गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से DVD बना के कल भेंट कर देंगे। जिसको जिसको गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कथा लेनी हो, सुननी हो, वो हमारे CD वाले बच्चे को बोलिएगा, वो आपको बनवा करके देंगे, जिस दिन की कथा कहेंगे उस दिन की, ठीक है। और ये थोड़ा मेरे बस का ये सब प्रश्नोत्तर नहीं है यार, मैं तो खुद एक मोटी बुद्धि का आदमी ठहरा है, क्या कहूँ। चिंतन में भी मैं कुछ अलग से नहीं कहता हूँ, तो ग्रंथ में लिखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस 20 करके हम आगे कथाक्रम को प्रणाम करेंगे, कथा बहुत है। उसमें भी पूर्वार्ध का हमने आपने स्मरण किया, महावीर बिनमऊ हनुमाना प्रणमऊ पवन कुमार खल वन पावक, खल बन पावक
फलों के सहज स्वरूप रूपी वन के लिए अग्नि के समान। अरे कुवृत्तियों के लिए मोहित मूढ़ वादित वृत्तियों के लिए घन के समान। ये अग्नि ये घन कौन सा? तो ज्ञान घन। ज्ञान से मोह नष्ट होता है। ज्ञान क्या है? महावीर बिनमऊ हनुमाना कपिपति सुग्रीव जी रीच जाम्बवान महाराज निशाचर राजा विभीषण जी महाराज अंगद जी नल नील गवगवाक्ष दुबि दमयंद सठ निसठ आदि आदि केहरी दुर्मुख किस समाजा अठारह पद्म जूथपति थे कितने सब का बाबा वंदन करते। बंदों सबके चरण सुहाए क्यों अधम शरीर धर्म में जिनका शरीर नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं ना असमय अधम सखा सोनु मोहों पर रघु। देखिए दो बात स्मरण रखिएगा। हद सर्वकाल कसाई के दर्शन करने से पुण्य नष्ट होकर पाप बढ़ते हैं और ब्राह्मण के दर्शन करने से पाप नष्ट होकर पुण्य बढ़ते। दो बात सदैव ध्यान रखिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने इस वंदना में सब की तुलना की है। किसका दर्शन करना चाहिए और किसके दर्शन से क्या लाभ प्राप्त होता है, किससे जीव का कल्याण होगा और किससे जीव के जीवन की हानि होती है। अधम शरीर जो चाह कर भी धर्म में नहीं रह सकता है वह शरीर अधम का है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भगवान ब्रह्मा का जो ये जगत है ये गुण अवगुण मय है। हो साधु लोग गुण ग्रहण करते हैं और असाधु लोग अवगुण ग्रहण करते हैं। जन्म से तो कोई नशा पान नहीं करता है लेकिन जिसकी वृत्ति असाधुता की है वो नशा करेगा ही करेगा। वो निकलेगा नहीं, उसी में 24 घंटे आनंदित रहेगा। लेकिन जो साधु पुरुष है साधु जीव है वह नशा में नहीं जाएगा, वो अपने को संभाल लेता है, उसकी वृत्ति ही वहां नहीं जाती। कल कोई बिटिया पूछ रही थी महाराज लहसुन प्याज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? और पहले वो बोली कि मेरा मन केवल भगवान में ही लगता है। अरे जो भगवान में रहेगा वो इस प्रकार का मूढ़ता भरा प्रश्न कैसे करेगा? हमारा प्रश्न बताता है कि हम कहाँ रहते हैं। किसी आदमी के बारे में लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य वाणी से बोले तो पता चलेगा वो कहाँ खड़ा है। जिह्वा सब बोलती है, अंदर से वही निकलेगा। भगवान की सेवा में आकर वैसे सो मंदार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भांग भी चढ़ जाए शिव जी को तो पवित्र हो जाती है बाबा की।
सिर चरण में। वैसे कोई पत्ता भी सूंघ लेवे तो नशा होता है, लेकिन हम आप जानते हैं अधम शरीर में भी जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ऐसे कपिजन सज्जन विभीषण जी, जाम भवान जी और भी जितने परिकर सबका बाबा वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? सब कृपा करिए जिससे हमारा मन परमात्मा में लगे, कृपा करिए। अब कल हम आप एक बहुत विशेष बात पर चिंतन किए थे पूर्वार्ध में कि भगवान हनुमान जी पर इतना क्षोभ क्यों करते हैं और हम लोग हनुमान जी की उपासना क्यों करें, अकारण करें? हाँ भाई, अकारण करें? अरे तो कैसे करें? ठीक है, अपने नुकसान न होने तक तो कोई किसी के साथ रह सकता है, अपना न लगे कुछ, मिले ना इसकी कोई परवाह नहीं, अपना न कुछ लगे और परमार्थ भी हो जाए तो ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे आपको कि अपना न लगे लेकिन काम चल जाए, बहुत लोग होंगे। परंतु अपना हाथ जर जाए, देह बर जाए, हमके बधाए के परे, भूखे रहे के परे, लात खाए के परे, मारी खाए के परे, नाना विधि सुने के परे और तबो लगे रहें, धरती पर ऐसे बहुत कम लोग हैं अपने को गला के, है क्या? आप करेंगे? नहीं करता कोई। हम करेंगे तो, लेकिन कब तक? जब तक हमको कोई कलेश न होगा। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि बिना कष्ट उठाए कोई परमार्थ सिद्ध हो, बिना त्यागे राम जी का अभिषेक नहीं होगा। ए भाई, धरती पर से निशाचरी समाज का समापन होगा तब न राम जी राजा बनेंगे। हो असुरों के रहते राम जी राजा कैसे बनेंगे? विचार करिए, सोचिएगा। प्रश्न का बारंबार स्मरण रखिए, भगवान हनुमान जी पर इतना क्षोभ क्यों करते? कोष तो सारा सुग्रीव का है, क्या लीला है क्या? नहीं, यथार्थ है। देखिए, समुद्र के तट पर सब बैठे हैं, चौपाई कहती है निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। व्यक्तिगत तौर से मुझे भी रोने गाने वाले लोग पसंद नहीं। कोनो काम बताओ तो तीन ठे काम हमका ही बताई दें, हम ऐसे लोगों से मिलन पसंद नहीं करते। जब मिलो तो रुमाल भिगो के मिल रहे हैं, का हो का बात है, बड़े परेशान ले हो। हम कुछ काम बताने के लिए बोला है तो हमसे ज्यादा काम ये लिए घूम रहे हैं, फाइल पकड़ा रहे हैं, ये क्या है? निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय। जामवान जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया। श्री हनुमान जी बल नहीं भागते, काम करते। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है।
किसी को भी जीवन में कुछ श्रेष्ठतम करना हो तो बहुधंधी नहीं होना चाहिए। बहुधंधी आदमी अपने समझ में नहीं आता, वो अपना ही शत्रु है बेचारा, कहीं जाएगा ही नहीं, अटक भटक कर रहा है इधर से उधर, पकड़बाजी दुनिया भर की। श्री हनुमान जी के पास एक ही काम है, वो क्या कहते हैं जाम भगवान जी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे कौन काज कठिन है? श्री हनुमान जी फिर भी नहीं समझ पाए, अथवा तो समझ के भी नहीं समझ रहे हैं। जब कहा गया राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयवु, पर्वत के आकार में हनुमान जी आए। क्यों हो? श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पहले स्वरूप श्रेष्ठ होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य फिट रहना आवश्यक है, आए ऊर्जा बाबा की, सिंहनाद किए आज्ञा करिए क्या करूं। बड़ी सुंदर मर्यादा जामवंत जी महाराज ने बांध दी। क्या कहा? मैंने सुनाया था आपको, कपिसेन संग संहार निशिचर राम से तही आनी है। ये तो कह रहे हैं लीले ही नागौ जलनी दिखारा सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। अरे हनुमान जी ने रावण से कहा है गीतावली जी में, यदि भगवान की आज्ञा लेकर के मैं आया होता तो तुमको तुम्हारी सेना समेत जैसे वैद्य जी लोग खरल में बूटी डाल के रगड़ करके रस निकाल करके रोगी को स्वस्थ कर देते हैं, मैं भी एक खर करके और विभीषण को पिलवा देता। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा, जो मैं आयस ले चलता हूं, ऐसा प्रताप है हनुमान जी का है? पुर्ची मिल गई, सुनाता हूं। हाँ देखो पुर्ची रखे रहता हूं, आरपी गोयनका साहब को सुनाया था। जो हों प्रभु वायसु ले चलतो, जो हों प्रभु वायसु छो क्यों ये तो ये ही ऋषि तो ही सही तदसानन, तो ये ऋषि तो ही सही तदसानन, जा तो धान दल दल तो आ, जा तो धान दल, जो हों प्रभु वाय सोले चले। रावण सो रस राज सुभट रस सहित लंक खल खल तो, रावण सो रस राज सुभट रस सहित लंक खल खल तो, करी पुट पाक नाक नायक हित, करी पुट पुड़िया बना के आयुर्वेदिक की विधि से, घने घने घर खलत
तो जो हूँ प्रभु वाय सोले चल तो जो हूँ प्रभु वाय सोले बड़े समाज लाज भाजन भयो बड़े समाज लाज भाजन भयो बड़ो काज बिनु छल तो आ बड़े काज बिनु छल तो लंकनाथ रघुनाथ बैरु तरु लंक सावधान रघुनाथ बैरु आजु फैली फूली फल तो जो प्रभु आय जो प्रभु आय सोले चले काल करम दिगपाल सकल जग काल करम समय तुम्हारी करनी सारे दिग्पाल साक्षी जालो जासो कर तल तो तारी पूसो पर भूमि रारी रन तारी पूसो के शत्रु से जीवन मरण सुफल तो जो प्रभु आय सोले जो प्रभु आय सोले। अब श्री हनुमान जी अंतिम भाव कह रहे हैं। बाबा ने लिखा देखी मैं दस कंठ सभा सब देखी मैं देख रहा हूँ रावण तेरी सभा में मेरे से कोई नहीं। देखी मैं दस कंठ सभा सब देखी मोते को न सबल तो मोते को न सबल तो तुलसी अरी बुर आनिए कयब एती गलानी नगल तो जो प्रभु आय सोले चले जो प्रभु आय सोले चले जो श्री हनुमान जी रावण से कहते हैं यदि मैं प्रभु की आज्ञा लेकर चलता तो जितने सभासद तुम्हारी इस सभा में बैठे हैं इन सबको मैं पटक पटक के खरल देता। मैं देख रहा हूँ अभी वाटिका में भट सुभट
महाभट सबको निपटा के आया हूं, उनसे बलशाली इसमें कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी कोई इसकी बड़ी ग्लानि है कि मैं प्रभु आज्ञा लेके नहीं आया, और आया भी तो जामवंत बाबा ने और बांध दिया, कुछ करना मत, सब भगवान करेंगे, इसलिए मैं ग्लानि कर रहा हूं। कहते हैं स्वामी के प्रति ये बड़ी मधुर बात, स्वामी के प्रति अपनी पूर्ण क्षमता से समर्पण भाव पूर्वक जो सेवा करता है तो स्वामी चाहे जो स्थिति बनावे, लेकिन उसकी स्वामी भक्ति का फल उस जीव को, साधक को अवश्य प्राप्त।